फीवर 104 एफएम के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरद बात कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी सर? सर आज एक अलग फील्ड में शो करने का मन है। हाँ, एक दुनिया में लेके जाता हूँ, एक ऐसी दुनिया जिससे आप और मैं रूबरू हैं ऑन ए डेली बेसिस, लेकिन कई बार प्रॉब्ली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। शुरू करें आज का सीन। शुरू होता है फ्रॉम अ मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो। पिछले 25 साल से ये नब्ज है इस शहर की। तकरीबन 47 लाख लोग रोज इसमें सफर करते हैं और उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी मशक्कत करता है दिल्ली मेट्रो। पर इस पूरे सफर में वन थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज सिक्योरिटी, सुरक्षा। और इस सुरक्षा की जिम्मेदारी है CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नमस्कार, मेरा नाम शरद है एंड यू आर ट्यून्ड इन टू द भारत पॉजिटिव शो। और आज हमारे साथ एक बड़े ही स्पेशल मेहमान है। ये 1998 बैच के IPS ऑफिसर है, उड़ीसा कैडर के, वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स। उड़ीसा में नक्सल मूवमेंट पे लगाम कसने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है और इस वक्त इन्हीं भरोसेमंद कंधों पर दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। मेरे साथ हैं IGCISF दयाल गंगवार साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत दयाल साहब। अच्छा दयाल साहब, इस वक्त मेट्रो शुरू हो चुकी है एंड एवरी डे द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इज ऑन द राइज। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी, और दोनों के बीच में मुस्तैदी से खड़ी है CISF। पर इस वक्त किन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं आप लोग? चैलेंजेस हमारे हमारे खुद के लोगों को बचा के रखना, सिक्योरिटी में बिल्कुल भी हम लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना। पब्लिक राइट फ्रॉम द एंट्री इनटू द मेट्रो टिल द एग्जिट फ्रॉम द मेट्रो, उनकी सिक्योरिटी देखना, कोरोना के सारे SOPs फॉलो करवाना, जिसमें मास्क पहनिए आप, फेस शील्ड में रखिए आप, अपने जो हमारे बैगेज लेके आते हैं अगर उसमें हमें कुछ दिखता है कि इसको चेक करना है तो कॉन्टैक्टलेस हमको चेक कराओ, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टच एनीबडी। हमने अपना जो सिस्टम बना रखा है कम्प्लीटली कैलिब्रेटेड HHMDs, कैलिब्रेटेड DFMDs, कॉन्टैक्टलेस फ्रिस्किंग, ये एक ह्यूज चैलेंज हमारे लिए। और इस तरह कर रखा है हमने DFMD को कि अगर बॉडी के किसी भी अंग में अगर बीप होता है उसी बॉडी का अंग, हम उसको चेक करवाते हैं कि क्या है इसमें मेटल है कि क्या है। तो जो चैलेंजेस हमको दोनों तरफ से देखना पड़ रहा है, और एक चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमारे जो जितने हमारे खुद के मैन पावर है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत सारे बैरक में रहते हैं, उनको सेग्रीगेट करा के उनको ड्यूटीज उसी तरह बांटना, सो दैट वो बसेस से आते हैं, हमारे गाड़ियों से आते हैं, उनको सैनिटाइज करवाना। दयाल गंगवार साहब, IGCISF से बातचीत जारी रहेगी ऑन द भारत पॉजिटिव शो। कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड, गुड मॉर्निंग। के बारे में कभी सोचा उनकी जॉब कितनी टफ है? क्योंकि हर रोज हमारी तरह जब वो ऑफिस के लिए निकलते होंगे तो परिवार के आंखों में कई सवाल होते होंगे कि आज फिर तुम खतरों से खेलने जा रहे हो, कोई इन्फेक्शन लेके घर तो नहीं आ जाओगे? हमारे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनका क्या? इन सवालों के रोज ये लोग जवाब देते हैं और फिर तैनात हो जाते हैं, और जब हम उनके चेहरे देखते हैं तो उनके चेहरे पर सब मुस्कान दिखती है, शिकन का एक कतरा नहीं दिखता। ऐसा क्यों है? हम में और उनमें ये डिफरेंस क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनके लिए हमारा देश हमारी सुरक्षा से बढ़के कुछ नहीं। और इसीलिए आज भारत पॉजिटिव शो में इसी सिक्योरिटी, सेफ्टी और जज्बे की बात करने हमारे साथ हैं IGCISF दयाल गंगवार। ये 1998 बैच के उड़ीसा कैडर के IPS ऑफिसर हैं और इस वक्त इनके हिस्से दिल्ली मेट्रो की कमान है। तो गंगवार साहब, आप हमें बता रहे थे कि कैसे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग सर? आज मन नेगेटिव है, पॉजिटिव है? देखिए, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने आज आपको भारत पॉजिटिव शो में ट्यून इन करा है, क्योंकि आज एक बड़ा ही पॉजिटिव शख्स हमारे साथ है। होता क्या है ना सर, जब हम किसी और की जिंदगी देखते हैं ना, तो दो चीजें होती है, या तो हमें ईर्ष्या होती या हम ऊपर वाले को धन्यवाद कहते हैं कि देखो तुमने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, उनकी पॉजिटिविटी इन्फेक्शियस होती है कोरोना से ज्यादा, और वो पॉजिटिविटी हम पे रब ऑफ कर जाती है, जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है रब ऑफ। और आज यही रब ऑफ होने वाला है आपके साथ।
You're going to meet a supremely positive person. Inka naam hai Dayal Gangwar. He's the IGCISF. He's one of the most decorated IPS officers of the country. Odisha cadre ke 1998 batch ke the. Odisha mein jab unhone serve kiya naxaliyon pe nakel kassi aur is kaam ko itne bakhoobi nibhaya ki ab unhe ek aur badi zimmedari mil gayi, Delhi Metro ki zimmedari. Aur ye zimmedari isliye badi hai kyunki is waqt Delhi Metro mein every day the number of people using the metro is on the rise. Yani ki सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको मेंटेन करनी है, सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है और हमें बाउंस बैक भी करना है एज अ कंट्री. तो ये बड़ा ही एक ट्रिकी सिचुएशन है और इसीलिए द बेस्ट ऑफिसर वॉज चूजन फॉर दिस चैलेंजिंग टफ जॉब जिनका नाम है दयाल गंगवार. दयाल साहब, यू गॉट अ टफ जॉब ऑन हैंड. इट्स अ टाइट रोप वॉक. CISF के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, सरकार के अपने प्रोटोकॉल्स हैं. लोगों को टाइम पे पहुंचना है. दे आर शॉर्ट ऑन पेशेंस. लोगों का नंबर भी बढ़ रहे हैं. तादाद ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन द मेट्रो इज ऑल्सो राइजिंग. तो ऐसे में हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस? कैसे आप सिक्योरिटी, सेफ्टी और कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को मैनेज करते हैं सर? हमारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं एज जो दिल्ली मेट्रो को लोग अवेल शुरू से करते आए हैं फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, हम उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वी आर कीपिंग दैट प्रोटोकॉल इंटैक्ट. जैसे हम लोग, अगर आप हमारे मेट्रो स्टेशन में एंटर कर रहे हैं आप, तो हमें जो आपको कैलिब्रेटेड DFMD से गुजरना है, हमने इंसिस्ट किया है कि आप जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो लेके चल रहे हैं उसको कोशिश करें कि अपने हाथ में, जैसे मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ हाथ में ले लें या अपने बैग में ले लें, सो दैट दे कैन पास. जल्दी काम हो जाएगा, एक बीच से वो निकल जाएंगे प्रॉपरली. प्लस हम लोगों ने जो HHMD है, नॉर्मली इसको हम कांटेक्ट करके फ्रिस्किंग करते थे. HHMD क्या है गंगवार साहब? थोड़ा सा हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर. हाँ, वो जो हमें दिखाई देता है, तो मशीन जो आवाज करती है. हाँ, वो हमने क्या कर रखा है, उसको थोड़ा एलोंगेटेड कर दिया है सो दैट कॉन्टैक्टलेस बन जाए. यात्री को भी असुविधा ना हो, हमें भी लगे कि वी हैव दैट 2 meters डिस्टेंस एंड बट दैट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कुछ हमको कॉम्प्रोमाइज ना करें हम, वो हम करते हैं. प्लस एक्सबेस मशीन में हम लोग जो भी आपके बैगेज निकलने होते हैं वो निकलते हैं. एंड इफ एट ऑल वी थिंक, जैसे मैंने शुरू में कहा भी है, अगर हमें लगता है कि आपके बैगेज को हमको चेक करना है, वी इंश्योर, वी रिक्वेस्ट द पैसेंजर कि आप बैगेज खुद खोल के हमको दिखा दें. पहले हम खुद करते थे बट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्टलेस फ्रिस्किंग सिस्टम, बिकॉज ऑफ कोरोना, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं एंड उसमें अभी आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस. दयाल गंगवार साहब, IGCISF से बातचीत जारी रहेगी ऑन द भारत पॉजिटिव शो. कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड. गुड मॉर्निंग.